वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पर। और दोस्तों, आज अपन जो है एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के द्वारा जो कायाकल्प का असेसमेंट किया जाता है, उसको कैसे फिल किया जाता है कायाकल्प पर जाकर, वो अपन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको kayaklap.org पर लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद आपको ऐसी इंटरफेस देखने को मिलेगी। तो इसमें आपको अपना यूज़र नेम जो है वो फिल करना है। यूज़र नेम फिल करने के बाद आपको अपने पासवर्ड फिल करने होते हैं। जो भी आपके पासवर्ड होते हैं वो फिल करने के बाद ये कैप्चा जो है ये फिल करना है। ये कैप्चा फिल करने के बाद आपको क्या करना है वो मैं बताऊंगा। लॉगिन कर लेना है। तो थोड़ा इसमें इसमें टाइम लगता है। नेट अगर अच्छा हो, आपका स्लो नहीं है, तो जल्दी भी हो जाता है, तो इसमें थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगता है। तो चलिए अपन इस पे बात करते हैं। यस, थोड़ा जब तक ये समय ले रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हर एक CHO तक इस जो है वीडियो को पहुंचाएं, ताकि उनके लिए थोड़ा आसान हो जाए, उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए ये कैसे फिल करते हैं। देखिए, इसमें आपको तीन चार चीज़ मास्टर सेटअप देखने को मिलेगा। मास्टर सेटअप के अंदर आपको इंस्टीट्यूट मास्टर देखने को मिलेगा। वहाँ पर आप जाकर अपना जो है क्रिएट इंस्टीट्यूट, मतलब अपने जो नाम है, पिन कोड, जो भी चीज़ें हैं, सारी यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये सारी ऐड कर लीजिए आप। ऐड कर कर आप इसको अपडेट कर दीजिए और अपडेट हो जाएगी। और उसके बाद एम्प्लॉय मास्टर में आपको जाना है। एम्प्लॉय मास्टर में आपको जाना है। जैसे ही एम्प्लॉय मास्टर ओपन हो जाता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में भी। ये सारी चीज़ें अपडेट होने के बाद तो दोस्तों, मैंने इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी है। ऐसी चीज़ें अपने चैनल पर होनी चाहिए जो कहीं भी नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से मिलती है, कहीं भी नहीं मिलती। तो पूरा कायाकल्प का फॉर्मेट कैसे अपलोड करना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे कुछ करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं अभी भी कन्फ्यूज़ है इसको कैसे अपन फिल कर सकते हैं। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, जिसकी वजह से थोड़ा ये समय ले रहा है। आप तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। चलिए, जैसे ये ओपन हो चुका है, अब ये ओपन होने के बाद अपन इसमें जो है ये चीज़ भी अपन सेव करके रख लेते हैं। करो या मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को अपना जो काम है वो है असेसमेंट का। तो अपने को फील असेसमेंट के अंदर जाना है। जैसे ही अपन फील असेसमेंट के अंदर जाते हैं, तो ऊपर वाला जो है एक बार मास्टर सेटअप का ये जो है आपको फिल करना है। तो फिल करने के बाद ही आप आगे बढ़े, क्योंकि तो वरना फिर आपको जो है फिल का ऑप्शन नहीं मिलेगा आगे। चलिए, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, आप बने रहें हमारे साथ। यहाँ पर आप अपना जो प्रोग्राम है वो सेलेक्ट कर लीजिए। कायाकल्प, जैसे इंस्पेक्शन है, इंटरनल फर्स्ट है, तो फर्स्ट यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करनी है। जैसे जिस दिन की करनी है, आप इसकी डेट है वो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे डेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट के बारे में बोलेंगे। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट आप देख लीजिए कहाँ पर है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पे जाकर, जैसे ये नीचे है ये रही, और यहाँ पर जाकर आप इसको सबमिट कर लीजिए। सबमिट ज़रूर करें। अब जैसे ये सबमिट हो जाता है, थोड़ा सा इंटरनेट इश्यूज है, इस वजह से थोड़ा स्लो चल रहा है। चलिए, इस पर नाम आ जाएगा एम्प्लॉय का। अब इसके बाद इसको सबमिट कर लीजिए आप। जैसे ये सबमिट हो जाता है, सबमिट होने के बाद अपने को चलना है फिल असेसमेंट के अंदर। जैसे ये सबमिट हो गया, क्रिएट टीम, सक्सेसफुली टीम जो है वो क्रिएट हो चुकी है अपनी। अब अपने को क्या करना है, सिंपली देखो, आपको यहाँ पर जो है आज की डेट में ये दिख भी जाएगा। तो अब अपने को क्या करना है, अब सिंपली अपने को फील असेसमेंट पे जाना है। जैसे ही अपन फील असेसमेंट पे जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। तो फील असेसमेंट पे जाकर आप फील रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको। ये यहाँ पर आपको क्या करना है, फील रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। फील रिपोर्ट जैसे ही क्लिक हो जाता है, फील रिपोर्ट क्लिक होने के बाद आपको यहाँ पर एक चेकलिस्ट अपलोड करने के लिए बोलेंगे, वो भी एक्सेल शीट के अंदर। देखिए,
सभी को कंफ्यूजन रहता है कि हमें एक्सेल शीट से करना है या कैसे करना है, तो वो कंफ्यूजन रहता है। तो कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, एक्सेल शीट ही आपको अपलोड करनी है। अब ये एक्सेल शीट आपको अपलोड कैसे करनी है, तो आप दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप यहाँ से चेकलिस्ट डाउनलोड करो, फिर उसमें कुछ एडिटिंग करो, उसके बाद उसको सेव करो, फिर यहाँ पर अपलोड करो, ये है। या फिर आप कोई भी एक चेकलिस्ट है उसमें से सारी चीज़ है वो कर लीजिए, मैं बता देता हूँ। जैसे ये एक्सेल शीट है, जैसे आप इसमें एक्सेल शीट में जाओगे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये एक्सेल शीट है, इसमें नंबरिंग है, आप देखो 70% के आसपास आप रखें इसके। नंबरिंग करने के बाद यहाँ पर आप देखिए, सिंपली आपको यहाँ पर ये सेव एज का ऑप्शन मिलेगा। ये सेव एज है, इस सेव एज पर आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये सेव एज पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर HWC SC 2023 लिख देना है, या आगे अपना नाम भी ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। और सिंपली इसके नीचे आपको दिखेगा सेव एज टाइप, तो इस पर आप क्लिक कर हमेशा एक्सेल 97 2003 वर्कबुक ये सेलेक्ट कर लो आप, ऑलवेज यही सेलेक्ट करना है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है अपने को, एक बार फाइल नेम जो है उसको एक बार क्लिक करके डेस्कटॉप का ऑप्शन जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप। ये आप यहाँ आपको डेस्कटॉप का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप एक बार क्लिक कर दीजिए बस। क्लिक करने के बाद इसको आप सिंपली सेव कर दो, जैसे मैंने तो ये कर रखा है सेव, इसलिए ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, तो मैं आपको बताने के लिए था वैसे। जैसे ये सेव हो जाएगा, अब अपने को क्या करना है, वापस अपने को उसी में जाना है, यहीं पे चूज फाइल पर अपने को यहाँ पर क्लिक करना है। अब ये चूज फाइल पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये यहाँ मेरे से फाइल मांगेगा, तो मैं जाऊँगा डेस्कटॉप पर। मैंने डेस्कटॉप पर इसका ये बना के रख रखा है, देखिए HWC 2023 बलवान के नाम से मैंने बना के रख रखा है। इस पर अपन सिंपली क्लिक करेंगे, क्लिक करके इस पर ओपन कर देंगे, ये फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब इसको अपलोड पर अपन क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। देखिए जब तक ओके हो रहा है आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतने आसान तरीके से किसी ने नहीं समझाया और ना ही कोई समझाएगा, तो जल्दी से इसको अपलोड हो जाने दीजिए। फिर उसके बाद अपने इसके डाटा को भी फ्रीज करने वाले हैं। डाटा फ्रीज करना बहुत ज़रूरी है, अपलोड करना फिल असेसमेंट करना ही काफ़ी नहीं होता, अपने को जो है डाटा जो है फ्रीज करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अगर डाटा फ्रीज नहीं करेंगे तो वो डाटा अपलोड नहीं माना जाएगा अपना। तो चलिए, जब थोड़ा सा नेट स्लो होने की वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है, अगर आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो बहुत फास्ट ये काम हो जाएगा। तो मुझे इसको हमको करने में लगभग 1.5-2 घंटे लग गए, लेकिन अब मुझे इसका जैसे मैंने करा तो मुझे पता चल गया, मैंने सोचा एक वीडियो बना दी जाए ताकि आने वाले भविष्य में जब आप इस पर जैसे सेकेंडरी इंटरनल असेसमेंट होगा वो अपलोड करोगे, उसके बाद में और असेसमेंट होंगे, पीयर असेसमेंट होगा वो भी करोगे, तो आपको क्या बेनिफिट हो जाए, आपका समय भी बच जाएगा, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये कहाँ से करें हम। तो आप सिंपली आप राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पर जाना, उस पर वीडियो मिल जाएगी आपको, और उस वीडियो को देखते देखते आप आराम से आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इसको, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है हमारा, इस वजह से टाइम लग रहा है। तो दोस्तों आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना, स्टेटस अपलोड कर सकते हो, और ये सभी CHO तक, राजस्थान के ही नहीं मैं तो कह रहा हूँ, भारत के सभी CHO तक ये वीडियो ज़रूर जानी चाहिए, ताकि उनको कायाकल्प का जो असेसमेंट करना है उसमें बिल्कुल भी दिक्कत। देखिए आप सक्सेसफुली अपलोड हो गई है एक्सेल शीट, सिंपली आपकी इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको फ्रीज असेसमेंट पर जाना है। एक रिप्लेस का इसलिए आ रहा है ऑप्शन कि अगर आपको कुछ नंबर बढ़ाने हैं, कुछ और करना है, तो एक्सेल शीट को रिप्लेस कर सकते हैं आप। अब आपको फ्रीज असेसमेंट पे जाना है, सिंपली ये फ्रीज असेसमेंट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। फ्रीज असेसमेंट पर जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली फ्रीज करना है, तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखिए सिंपली आपको मैं बता देता हूँ, आपका आ गया है यहाँ पर, आप प्रिंट करके भी देख सकते हैं कि हमारा कितना है, और प्रिंट नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से क्लिक टू फ्रीज ये ज़रूरी है, क्लिक टू फ्रीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्लिक टू फ्रीज आप ज़रूर करना, वरना आपका डाटा अपलोड नहीं होगा। क्लिक टू फ्रीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्लिक टू फ्रीज करना। तो ये डाटा जो है अपलोड हो चुका है, मतलब फर्स्ट जो असेसमेंट है इंटरनल असेसमेंट वो कम्प्लीट अपना हो चुका है, और अभी आपको मैं दिखा भी दूंगा कि वो डाटा जो है वो फ्रीज हो चुका है। तो सिंपली आपको ऐसा ही करना है, और ये वीडियो अगर आपको लग रहा है कि सही में एक CHO ने अपनी हेल्प की है इस वीडियो, मैं
खुद CHO हूँ जो आपकी मैं मदद कर रहा हूँ इस वीडियो को बनाकर, ताकि आप तक ये वीडियो पहुँचे, आप आराम से बिना टेंशन के, टाइम बिना खराब किए, दिमाग खराब किए, आप आराम से जो है इसको कर सकते हो। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं अपने नंबर दे रहा हूँ, आप मेरे नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हो। देखिए, रिकॉर्ड फ्रीज हो चुका है, तो ये कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट। अब जैसे ही सेकंड आएगा, पीयर आएगा, तब सब बच्चे बोलेंगे सर हम कैसे करें, हमें बताइए कैसे करना है। तो उनके लिए ही मैंने ये वीडियो अपलोड की है, उनके लिए ही मैंने ये वीडियो जो है अपलोड की है। आप ये वीडियो देखें और अच्छे से बिना टेंशन बिना दिमाग खराब किए आप आराम से जो है इंटरनल असेसमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।